20 से 22 साल पुरानी प्राइवेट यूज पासिंग अनफिट जीपों में नीमच से यात्रियों को सीमा पार राजस्थान निम्बाहेड़ा ले जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इनमें से कई जीपों का फिटनेस 2010 तो किसी का 2012 में समाप्त हो चुका है। यही नहीं, जब हमने परिवहन विभाग की साइट पर चेक किया तो कई जीपों का इंश्योरेंस भी नहीं मिला। अनफिट होने के चलते इन्हें परमिट भी नहीं दिया गया, लेकिन शहर के मुख्य चौराहे से ये जीपें जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने होती हुई मध्य प्रदेश की सीमा को पार कर जाती। यही नहीं, इन जीपों में बेतरतीब तरीके से सवारियों को बिठाया जाता है, साथ ही माल का लादान भी किया जाता है। इस तरह की 25 से अधिक जीपें नीमच से निम्बाहेड़ा राजस्थान की तरफ दौड़ रही हैं, लेकिन परिवहन विभाग को मामले की सुध नहीं है। इस मामले में हमने जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीना से भी चर्चा की है। ये सब जो है जीप होती है, ये ओवरलोड भी चलती है, जो सवारियों के साथ में कहीं ना कहीं जान से खिलवाड़ होता है। प्लस इनका देखा गया है कि इनका परमिट और फिटनेस नहीं है। अधिकांश व्हीकल जो है 97-98% पासिंग है, और उसके बाद से इनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, इनके ऊपर कोई वर्किंग ही नहीं हो रही है, और ये इंटर स्टेट है, उसके बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर जो भी अनसेफ व्हीकल्स अगर पैसेंजर को परिवहन कर रहे हैं तो वो उचित नहीं है, और अगर इस बात को आपने हमारे संज्ञान में लाया है तो उसमें क्या हम इस पर्टिकुलर उसको देखेंगे कि उसमें अगर अनसेफ हैं उसके लिए तो उन पर आगामी कार्रवाई होगी।